सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। कीमतों में चल रहा उतार चढ़ाव का दौर अब थम गया है, कीमतें स्थिर हो गई हैं। उत्पादन में गिरावट के बावजूद इस सीजन के अंत में बाजारों में सिर्फ सोयाबीन की फसल की ही चर्चा होती रही। पिछले सप्ताह के अंतिम दिन में गिरावट और उसके बाद सप्ताह के पहले दिन कीमतों में सुधार देखा गया था। इसके बाद सोयाबीन की बिक्री को लेकर किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। लातूर कृषि उपज मंडी समिति लगातार दो दिन बंद रही, उसके बाद सोयाबीन की कीमतें 7,350 रुपए से 7,400 रुपए क्विंटल पर स्थिर हो गई। लेकिन किसानों के मन में सोयाबीन की बिक्री को लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है। शनिवार को बाजार में सोयाबीन की आवक बड़े पैमाने पर पहुंची है। वहीं कृषि विशेषज्ञ किसानों को इस समय सलाह दे रहे हैं कि आगे सोयाबीन के कीमतों में बढ़ोतरी होगी, इसलिए किसान अच्छे से विचार कर सोयाबीन की बिक्री करें। दरअसल मंडी के दो दिन बंद रहने के बाद मंडी खुलने से सोयाबीन की आवकों का प्रेशर बना, जिससे कीमतों में थोड़ी स्थिर आई। सोयाबीन की कीमतों के लिहाज से पिछले 15 दिनों में जो कुछ हुआ है वो पूरे सीजन में नहीं हुआ था। सोयाबीन की मांग और युद्ध के चलते कीमत रिकॉर्ड दर से बढ़ी है, इसे रुक रुक कर अस्थिरता का माहौल बना। इस साल किसानों ने तुरंत सोयाबीन की बिक्री नहीं की। किसानों का बिना उचित रेट मिले सोयाबीन नहीं बेचने का फैसला सीजन के अंतिम चरण में फायदेमंद साबित हो रहा है। सीजन की शुरुआत में सोयाबीन का भाव 4,800 रुपए था, लेकिन आज यह बढ़कर 7,400 रुपए पर आ गया। अगर युद्ध की स्थिति में सुधार होता है और गर्मियों में सोयाबीन बाजार में आ जाती है तो कीमतों में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए सोयाबीन में तेजी ही बनी रह सकती है। किसानों ने ऐसे में अपनी सोयाबीन रोक रोक कर और दाम बढ़ने पर ही बेचने का विचार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।